नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत, और जो हमारी क्लासेस चल रही है उत्तराखंड का क्रेश कोर्स, हिंदी का क्रेश कोर्स, इसका आज यहां पे नौवा दिन है। और यह जो क्लासेस है आप सभी एग्जाम के लिए, पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी, लेखपाल, एसआई, बंदी रक्षक, जो भी एग्जाम है जहां भी हिंदी आपको पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे बात करें तो ये हमारा हिंदी का एक पंचनामा प्रकार की क्लास है, जहाँ पे हम आपके सामने पांच इंपोर्टेंट टॉपिक रख रहे हैं। और इन पांचों टॉपिक में से जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो आपको डिस्कस कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन आपके पास कि पर्यायवाची शब्द है, पंचनामा का पार्ट वन है, और आपको यहाँ पे जो सही समूह है उसका चयन करना है। तो बताइए आपके पास कौन सा जो सही समूह है इसमें से कौन सा है, ए, बी, सी और डी। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए की बात करें जैसे अक्षी, लोचन, नयन, बी है तुरंग और सार में, सी है भागीरथी, मंदाकिनी और देव नदी, और लास्ट डी ऑप्शन है आपके पास सर, वारी और अंबु। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो जिसके पर्यायवाची जो सभी शब्द है वो एक ही के हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको डिस्कस कराएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए पहले बात करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं नयन का मतलब क्या होता है, नयन का मतलब होता है आंख, तो यह तो बिल्कुल सही है, यानी नयन का मतलब हो गया आंख। लोचन का मतलब क्या होता है, लोचन का मतलब भी आंख होता है, नयन का मतलब भी आंख होता है, लेकिन दोस्तों जो आपको यहाँ पे अक्षी दिखाई दे रहा है ना, अक्षी क्या है, गलत है, अक्षी आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ध्यान रखना जो हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं अक्षी की, तो यह जो अक्षी होता है इसका मतलब होता है आंख। ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक मात्रा आपके जो क्वेश्चन है उसे गलत कर सकती है। तो अक्षी ये वाली जो अक्षी है जहां पर छोटी एक ही मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब होता है आंख, और इस अक्षी का मतलब होता है आंखों वाली, या फिर हम इसे एक निवास स्थान के रूप में भी लेते हैं। तो देखिए एक मात्रा पढ़ने पर इसका कितना अंतर चेंज हो गया, और यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोचन, नयन, आंख, अक्षी, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अगर यहां पे कुछ और पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जैसे बात करें यहां पे, तो एक होता है नेत्र, तो आप सभी जानते हैं, इसके अलावा होता है चक्षु, क्या होता है चक्षु। तो अक्षी, नेत्र, चक्षु, और इसके अलावा जो थोड़ा अजीब है वो आपको ध्यान रखना है वो है अंबक। तो अंबक का मतलब भी क्या होता है, आंख होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें चख, तो चख का मतलब भी क्या होता है, चख का मतलब भी क्या होता है, आंख होता है। तो अक्षी, नेत्र, चक्षु, अंबक और चख, यानी चक्ष से बन रखा है, और इन सब का मतलब क्या होता है, आंख होता है। और यहीं पर अगर आपको यह पूछा जाता तो इसका मतलब क्या है, यह क्या है, गलत है, यानी अक्षी जो बड़ी की मात्रा है वह गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको पूछा गया है यहां पे कि है तुरंग और सार में, तो बताइए जरा इसमें से किसका जो पर्यायवाची शब्द है जो गलत है। तो यहां पे जी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहां पे आपको सी दिखाई दे रहा है ना, सार में, यह गलत है। सार में का मतलब क्या होता है, देखिए सार में कहते हैं कुत्ते को, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, तो कुत्ता को कहते हैं सार में, तो सार में का मतलब कुत्ता। यानी इसका और पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यह होता है स्वान, क्या होता है, स्वान। और यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कुकुर होता है, आप सभी जानते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वह दोस्तों आपको ध्यान रखना है सनक, तो कुत्ते को क्या चढ़ती है, सनक चढ़ती है। तो कुत्ता, कुत्ता हो गया, श्वान हो गया, कुकुर हो गया और सार में हो गया, तो ये सभी कुत्ते के पर्यायवाची शब्द है। फिर यहां पे जो आपको है दिखाई दे रहा है, तुरंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों, यह मतलब होता है यहां पे घोड़ा, तो तुरंग का मतलब घोड़ा, है का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। तो यहां पे इसके और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, देखिए और पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो है तो आपने देख लिया, यानी है हो गया, इसके अलावा हो गया तुरंग, हो गया तो तुरंग है, और इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान रखना है वो होता है दोस्तों सैंधव, क्या होता है, सैंधव। तो सैंधव का पर्यायवाची शब्द क्या है, है यानी घोड़ा है। और इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे रविश्रुत भी कहा जाता है, रविश्रुत, रविश्रुत यानी रवि का पुत्र भी इसे कहा जाता है। और यहीं पर बात करें तो इसे घोटक भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं। तो घोड़े के पर्यायवाची शब्द है हो गया, तुरंग हो गया, सैंधव हो गया, रविशुत हो गया, घोटक हो गया, और तुरंग तो आपने यहां पे देख ही लिया है। तो ये सभी क्या है, घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए एक पर्यायवाची शब्द आपने आंख का देखा, तो आंख से वैसे तो आपको सभी मालूम होगा, लेकिन आपको जो अक्षी और अक्षी में जो अंतर रहता है वह भी पहचानना है। फिर यहां पे आपने कुत्ते के पर्यायवाची शब्द देखे, कुत्ता, श्वान,
कुकुर और सनक, तो यह भी आपने देख लिया। और घोड़े की बात करें तो है तुरंग, शेंदव, रविशुत और घोटक। और यहीं पे दोस्तों अगर कुछ और भी बात करें तो इसके एक नाम और भी आता है, जैसे वाजी, तो बाजी या जो वाजी होता है ना, वाजी, ये वाला वाजी, तो वाजी भी किसे कहते हैं, वाजी जो बाजी होता है इसे भी कहते हैं घोड़े को, तो यह भी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। अब यहां पे आपने घोड़े का भी देख लिया, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ये है भागीरथी, मंदाकिनी और देवनदी। तो क्या ये सभी सही है या फिर गलत है, तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यही सही है, और यही बिल्कुल सही है, यानी भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, यह सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, यह सभी जो पर्यायवाची शब्द है यह सभी गंगा जो नदी है उसके पर्यायवाची शब्द है, यानी गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द है। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी। और यहीं पर अगर बात करें तो और भी ध्यान रखना है आपको, एक है विष्णुपदी, तो विष्णुपदी यानी विष्णु के पेड़ से निकलने वाली है, तो विष्णुपदी। और यहीं पर और बात करें जैसे एक आता है जाह्नवी, जाह्नवी, तो जाह्नवी किसका पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और यहीं पर बात करें तो सुरसरी भी कहा जाता है, सुरसरी, देखिए सरी का मतलब क्या होता है, सरी का मतलब तो जैसे नदी हो गया, तो सुर यानी देवता, तो देवताओं की नदी यह होता है। यहीं पर अगर हम इसे दूसरी भाषा में लिखे तो हम इसे देव नदी भी लिख सकते हैं, जो आपको हमने ऑप्शन में दिया है। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द है, मंदाकिनी भी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है, यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे, तो यह बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, तो देखिए दोस्तों यहां पे जो आपको ये सर दिखाई दे रहा है ना, सर, तो सर की बात करें तो सर का जो मतलब होता है वो आपको ध्यान रखना है, उसे कहते हैं हम तालाब। क्या कहते हैं सर का मतलब, सर का मतलब होता है तालाब। और यहां पर जो आपको वारी और अंबू दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब होता है जल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द है वह है जल, ध्यान रखना दोस्तों। जल का अगर आपको पर्यायवाची शब्द याद हो गए, पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, तो आप कमल के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हो, आप जो बादल के पर्यायवाची शब्द हो याद कर सकते हो, ध्यान रखना दोस्तों कमल हो गया। इसके अलावा हम बात करें बादल की बात करें और समुद्र की बात करें, अगर आपने जल के पर्यायवाची शब्द याद कर लिए तो ये तीनों के जो पर्यायवाची शब्द है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो जल की बात करें, देखिए जल का आपने देखा वारिस, देखा क्या, देखा वारी, देख लिया। तो वारी की बात करें तो वारी का मतलब क्या हो गया, जल हो गया। और यहीं पर अगर हम जा लगा देते हैं पीछे, यहां पे वारी के पीछे जा लगा देते हैं, तो जा का मतलब होता है जन्म लेना, तो वारी में हमने जा लगाया तो वारिज हो गया, तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया। अगर हमने वारी की बात करें तो वारी में अगर हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो दा यानी देने वाला, तो वारिद हो गया, तो वारिद यानी जल को देने वाला, तब बादल हो जाता है। और वहीं पर अगर हम धी जोड़ देते तो ध्यान रखना, जैसे जा हो गया, यहां पे लिख लेता मैं, एक हो गया धी हो गया और एक हो गया दा, तो इन तीनों पर्यायवाची शब्द यानी जो तीनों जो यहां पे पढ़ते शब्द है ना, जा, धी और दा, इन तीनों को आप जल के पर्यायवाची शब्द में लगाकर अलग अलग जो पर्यायवाची शब्द है वो बना सकते हैं। अगर आपने जा जोड़ दिया है तो आप कमल के पर्यायवाची बना दोगे, अगर आपने दा जोड़ दिया है तब आप बादल के पर्यायवाची शब्द बना दोगे, और आपने धी जोड़ दिया है तब आप समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना दोगे। तो केवल आपको जल के पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, और सभी के इन तीनों के जो पर्यायवाची शब्द है ऑटोमेटिक बन जाएंगे। फिर यहां पर देखा आपने अंबु, सेम यहां पर भी यही है, अंबु में आप अंबुज जोड़ दो, अंबुधि कर दो या फिर अंबुद कर दो, तो तीनों के पर्यायवाची शब्द जो होंगे वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसके अलावा जो और भी आपको नाम रखने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है एक है अंब, क्या है अंब। इसके अलावा और भी ध्यान रखें, पय हो गया, पय भी हो गया, फिर पय के अलावा आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पय तो आपने देख लिया, अंबु भी आपने देख लिया, अब यहां पे देखिए सलिल भी कहते हैं जल को, सलिल, सलिल हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है, सलिल हो गया। फिर सलिल के अलावा जो आपको ध्यान रखना है नीर हो गया, क्या हो गया, नीर, कहते हैं ना नीरदी, नीरद, तो नीर भी किसका है, पर्यायवाची शब्द है यानी जल का हो गया। और यहां पे एक चीज और ध्यान रख लेना, यह है तोय, तो क्या है तोय, तो ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, जल के पर्यायवाची शब्द हैं, और ये आपको याद करने हैं। और इसके अलावा एक शब्द और भी होता है अगर आप ध्यान रख सकते हो, जैसे ये होता है वह होता है आब, क्या होता है आब, तो आब भी किसका पर्यायवाची शब्द है, यह जल का पर्यायवाची शब्द है। तो इन सभी को दोस्तों आपको याद करने हैं, एक साथ आपके बहुत से जो पर्यायवाची शब्द है वो ऑटोमेटिक भी आपको यहां पे याद हो जाएंगे। तो पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया पंचनामा का, बात करते हैं पार्ट टू पे, और पार्ट टू जो है दोस्तों यहां पे अब हम बात कर रहे हैं, यह है विदेशी भाषा के शब्द। और यहां पे हम क्या याद करेंगे, यहां पर दोस्तों जो हम याद करेंगे वो करेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो यहां पे कुछ शब्द लिखे हैं और यह सभी जो शब्द हैं ये सभी पुर्तगाली भाषा के हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है संतरा, संतरा, तो संतरा कहां से आया है, पुर्तगाली से आया है।
फिर गोभी, तो गोभी भी कहां से है? पुर्तगाली का है। कमरा की बात करें, अनानास की बात करें, तंबाकू की बात करें, तो यह सभी जो शब्द हैं ये पुर्तगाली भाषा से आ रखे हैं। तो आपको यहां पे केवल ऐसे ध्यान रखना है कि जो संतरा हो गया, गोभी हो गया, अनानास हो गया और तंबाकू हो गया, यह सभी या इन सब की जो खेती की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? पुर्तगाली ने की थी। तो याद करिए जरा दोस्तों एक बार कि गोभी, संतरा, तंबाकू और अनानास ये सभी पुर्तगालियों की देन है। गोभी, संतरा, तंबाकू और अनानास, गोभी, संतरा, तंबाकू और अनानास ये सभी पुर्तगालियों की देन है। फिर यहां पे देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कमरा हो गया, आलमारी हो गया। देखिए कमरा कौन बनाता है? कमरा बनाता है मिस्त्री। कौन बनाता है? मिस्त्री। तो मिस्त्री भी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी है ना, अलमारी, तो अलमारी में क्या होता है? तिजोरी होती है। तो तिजोरी भी किस भाषा का शब्द है? यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और फिर यहां पे देखिए, कप्तान भी हो गया, साबुन भी हो गया, तौलिया भी हो गया, बाल्टी भी हो गया, ये सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अब एक चीज आप देखा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एक चीज देखा होगा कि जो पुर्तगाली थे उनका व्यापार था वो समुद्र से बहुत ज्यादा था, लेकिन पुर्तगालियों के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि उन्होंने कार्टेज जो पद्धति है वो भी अपना रखी थी। यानी अगर किसी को व्यापार करना है समुद्र में तो उन्हें पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो समुद्र में जो जिसकी जो पावर थी वो किसकी थी? वह थी पुर्तगालियों की। तो आप समुद्र से ऐसा ध्यान रखना कि समुद्र में क्या करना है? नहाना है। तो समुद्र में कौन नहाएगा? पुर्तगाली नहाएंगे। तो नहाने से आप ध्यान रखना कि यह किससे संबंधित है? पुर्तगालियों से संबंधित है। तो अब यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए, अगर पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली क्या कर रहे हैं? वो नहाएंगे, है ना। यानी समुद्र में जब जो समुद्र के पास होंगे वो नहाएंगे भी ज्यादा। तो नहाने से संबंधित जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है? साबुन हो गया, तौलिया हो गया, बाल्टी हो गया। तो ये सभी क्या है, जहां पे हमें नहाने से संबंधित जो सामग्री आपको दिखाई दे रही है ये सभी क्या है? पुर्तगाली से संबंधित है। तो पुर्तगाली आपने देखा, क्योंकि इनकी जो पावर थी समुद्र में बहुत ज्यादा थी, तो नहाते भी बहुत ज्यादा होंगे, और नहाते बहुत ज्यादा होंगे तो नहाने का सामान भी ज्यादा लगता होगा। तो साबुन, तौलिया, बाल्टी सब कहां के हैं? पुर्तगाली के हैं। फिर यहां पे देखिए, जो कप्तान हो गया, कमरा हो गया, आलमारी हो गया, और इसके अलावा एक शब्द और आता है, वो है आलपिन। तो आलपिन भी आप ध्यान रख लेना, ये भी किसके है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों एक एक कहानी बनानी पड़ेगी आपको अपने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, और उसके बाद आप इसे आसानी से याद कर सकते हो इन सभी शब्दों को। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द यही है, एक क्लास और लाएंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द, और फिर आपको पुर्तगाली भाषा शब्द याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली क्लास में हमने आपको 30 से ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अरबी भाषा के थे वो याद करवाए थे। अब हम बात करेंगे दो क्लासेस में पुर्तगाली भाषा के। तो यहां तक ये हो गया, अब बात करते हैं अपने पार्ट 3 पे। तो देखिए आपको यहां पे तत्सम शब्द का चयन करना है। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 3 है तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। तो यहां पे आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। सबसे पहले आप जो यहां पे एक दिखाई दे रहा है यहां से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा तत्सम शब्द है बताइए जरा? तो बताइए दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? तो बताइए जरा कौन सा है? तो बताइए बताइए। तो देखिए दोस्तों अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द जो आपको दिखेगा वो बिल्कुल शुंड होगा। यानी जो शुंड है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, वो तत्सम शब्द है। जो शुंड होता है ना, शुंड, ये वाला शुंड, ये गलत शब्द होता है। तो ध्यान रखना शुंड तद्भव है, शुंड तत्सम है। खेत की बात करते हैं, देखिए खेत का मतलब क्या होता है? खेत की बात करें तो खेत का जो आपको तत्सम दिखेगा वो क्षेत्र दिखेगा। खेत गलत शब्द है, क्षेत्र बिल्कुल सही शब्द है। पांव की बात करें, देखिए पांव, जैसे हम बात करें पांव कहें, पैर कहें, तो ये क्या है? ये गलत शब्द है, यानी तद्भव शब्द है। इसका जो शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है, वह है पाद। तो यानी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना पाद, यह बिल्कुल सही शब्द है और यह संस्कृत भाषा से आ रखा है। और यहीं पर बात करें हल्दी का, तो देखिये हल्दी नहीं होता है, क्या होता है? हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा। तो हरिद्रा बिल्कुल सही शब्द है। तो ये सभी आपको याद हो गए होंगे। देखिए शुंड ये गलत शब्द है, शुंड बिल्कुल सही शब्द है। खेत का क्या होता है? क्षेत्र होता है। पांव नहीं होता, ना ही पैर होता है, क्या होता है? पाद होता है। और हल्दी की बात करें तो हरिद्रा होता है। तो ये चारों तत्सम शब्द आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका आंसर दीजिए कि सारथी, नश, स्नेह और भेड़िया। देखिए भेड़िया तो यूकेएसएससी ने अभी पूछा था पिछले एग्जाम में, यानी अगर बात करें जो फॉरेस्ट गार्ड या फिर प्रदर्शन सिपाही का हुआ था वहां पे पूछा था। तो इसका आंसर आप बताइए। और भेड़िया शब्द यूकेपीएससी ने भी पूछा था, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट शब्द है। तो फिलहाल आप इनका बताइए कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सारथी, नश, नेह या फिर भेड़िया? तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहां पे आपको बता दें दोस्तों, जो ये आपको भेड़िया दिखाई दे रहा है ना, भेड़िया गलत होता है। भेड़िया का जो शुद्ध रूप होता है, तत्सम शब्द होता है, वो होता है वृक। क्या होता है? वृक। तो भेड़िया को वृक लिखा जाता है। भेड़िया तद्भव शब्द है, वृक तत्सम शब्द है। तत्सम यानी शुद्ध शब्द जो डायरेक्ट हमने संस्कृत भाषा से लिए हैं, तद्भव शब्द यानी अशुद्ध शब्द जो बाद में रूपांतरण हुए हैं। फिर यहां पे बात करते हैं नेह, तो नेह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नेह नहीं होता है। क्या होता है नेह का? नेह का आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं स्नेह, स्नेह। तो यह शुद्ध शब्द है स्नेह। नस की बात करें, देखिए नस के तो बहुत सारे तत्सम होते हैं, यानी नस्य भी लिखा जाता है कहीं पर, लेकिन इसके अलावा आप और ध्यान रख सकते हो जो काफी टफ है और वह आपको ध्यान रखना है, इसे स्नायु भी कहते हैं, स्नायु। तो स्नायु यानी जो नसें होती है ना हाथ में, जो खड़ी हो जाती है नसें वगैरह, उसे कहते हैं, जो धमनियां वगैरह होती है इसे कहते हैं। तो स्नायु भी इसे साधारणता कहा जाता है तत्सम शब्द में। तो नस का नश्य कह सकते हैं या फिर स्नायु कह सकते हैं। और सारथी की बात करें तो यह बिल्कुल सही है, सारथी बिल्कुल सही है। अगर यहां पर हम लिखते हैं ऐसा सारथी, तो यह क्या होता? गलत होता, यह तद्भव शब्द है। तो यहां पर यह देख दिया। अब चलते हैं तीसरे पे, तो इसका आंसर दीजिए, छिलका, रुपया, सुहाग या फिर शर्करा। क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए जरा दोस्तों, क्या इसका सही आंसर होगा? छिलका, रुपया, सुहाग और शर्करा। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको शर्करा, बिल्कुल तत्सम शब्द है। और इसका अगर हम तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या है इसका? तद्भव दोस्तों अगर यहां पर आपको पूछा जाए तो तत्सम तद्भव होता है इसका शक्कर। तो शक्कर क्या है? तद्भव है। सुहाग की बात करें, देखिए सुहाग नहीं होता है, सौभाग्य होता है। क्या होता है? सौभाग्य, सौभाग्य। तो सौभाग्य शुद्ध शब्द है यानी तत्सम शब्द है, सुहाग गलत शब्द है। रुपया की बात करें तो रुपया अशुद्ध शब्द है, यह होता है रोप्या। क्या होता है? रोप्या। तो रोप्या बिल्कुल सही होता है। और छिलका नहीं होता है दोस्तों, वो होता है शकल। क्या होता है? शकल, शकल यानी जो उसकी पपड़ी होती है बाहर की, छिलका। तो शकल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपने 12 शब्द देखिए तत्सम वाले, और इन्हीं को आज आपको याद करना है। तो 12 शब्द यानी तत्सम के देख लिए, 5-6 शब्द हमने पर्यायवाची के देख लिए हैं, और यहाँ पे जो हमने जो पुर्तगाली भाषा के शब्द थे कुछ, वह भी देख लिए हैं। अब बात करते हैं अपने पांचवें नंबर पर यानी चौथे नंबर पर, ये हमारा शुद्ध शब्द वाला। तो अब आपको यहां पे शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपके पास पहला ऑप्शन है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकृत। तो बताइए जरा कौन सा शुद्ध होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, ये मिलेगा अनाधिकृत, सॉरी अनधिकृत, अनधिकृत बिल्कुल सही है। आपने एक चीज देखा होगा, कल परसों हमने आपको पूछा था एक प्रश्न, जो यूकेएसएससी ने पूछा था एक प्रश्न था, वो था अनाधिकार, अनाधिकार, और एक था अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार। तो देखिए अनधिकार की बात करें और अनाधिकार की बात करें तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अनधिकार बिल्कुल सही शब्द है, अनाधिकार की बात करें तो यह बिल्कुल गलत शब्द है। तो यहां पर भी अनधिकृत जो है वो सही शब्द है, ध्यान रखना, अनाधिकृत मत कर देना, यह गलत है। कालिदास और कलिदास, तो कलिदास तो सबसे पहले हटा दीजिए। अब इन दोनों में बताइए कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो जी हाँ दोस्तों, जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, कालिदास, कालिदास, यह गलत है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर जो आपको कालिदास दिखाई दे रहा है, कालिदास बिल्कुल सही है। दास यहां पे जो प्रत्यय जोड़ता है वो मात्रा को छोटी कर देता है, तो काली यहां पे सही होगा। फिर है अंतर्धान और अंतर्ध्यान, तो कौन सा शुद्ध होगा? तो देखिए अगर बात करें तो यह गलत होगा, ऑप्शन नंबर जो आपको यह दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यह क्वेश्चन ध्यान रखना, जो अंतर होता ना, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इस प्रकार लिखते हैं, अंतर यानी यहां पे अंतर लिख दिया और फिर यहीं पर मात्रा लिख लेते हैं, जो कि क्या होता है? गलत होता है। तो जो ये वाली राह है यह पीछे जुड़ जाती है दहा पे, तो ध्यान रखना यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और अंत्याक्षरी या फिर अंत्याक्षरी, तो बताइए जरा कौन सा शुद्ध होगा? तो देखिए दोस्तों अंत्याक्षरी लिखने का जो बिल्कुल सही शब्द है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि री में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी, तो बड़ी की मात्रा आएगी तो जो ऑप्शन नंबर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये तो बिल्कुल कर जाएगा, अनत्य तो बिल्कुल नहीं होता, ये भी कर जाएगा। तो बचे आपके पास दो, एक है अनत्याक्षरी और एक है अनत्याक्षरी, तो इसमें से सही शब्द क्या होगा? तो बताइए जरा दोस्तों इसका सही शब्द क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। यानी आपने आ लिखा, फिर आधा ना लिखा, फिर आधा ता लिखा, फिर आपने या लिखा, तो ये हो गया अंत्या, और फिर यानी आपने यहां पे लिखा छरी, तो अंत्याक्षरी यहां पर ये हो गया है। फिर है यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये बताइए कि इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसमें से शुद्ध कौन सा है?
तो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, अहिल्या बिल्कुल गलत है, अहिल्या जो है वो बिल्कुल सही है। हमने कल परसों आपको बताया था द्वारका, और एक बताया था हमने द्वारिका, तो कौन सा शुद्ध था इसमें से? तो हमने बताया था जो द्वारिका है ये गलत है, द्वारका सही है। सेम यहां पर भी यह है कि अहिल्या जो है यह बिल्कुल सही है, अहिल्या गलत है, अहिल्या सही है। तो उच्चारण शुद्ध होगा, शब्द ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां तक तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वाक्यांश और एक शब्द की बात की गई है, और आपको बताने हैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश और एक शब्द की बात करेंगे। यहां पे दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, कृकंतव्य मूढ़, यह प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछ लिया है। यूकेएसएससी ने यह प्रश्न आपको पूछ लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूकेएसएससी वाला, तो यूकेएसएससी वाला है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है यूकेएसएससी के लिए। तो फिलहाल यहां पे पहला है आपको, और यहां पे आपको जो पूछा है कि जो वाणी द्वारा कहा जा सके, तो वाणी द्वारा जो कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कथनिया। तो कथनिया यानी जो कहा जा सके, तो जो कहा जा सके उसे कहेंगे कथनिया। किए गए उपकार को मानने वाला, तो देखिए यह कंफ्यूज करते हैं दोनों के दोनों, एक है कृतज्ञ और एक है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब जो उपकार को मानता है, और कृतघ्न जो उपकार होता है उसे नहीं मानता है। कृतघ्न तो यहां पे ना लग गया, तो नहीं मानने वाला। ज्ञा है तो मानने वाला, ज्ञा से मतलब ज्ञानी, वो अच्छा है, यानी जो उपकार को मानता है यानी वो समझदार होगा, तो समझदार है तो यानी ज्ञा है, यानी ज्ञानी है। और ना यानी नहीं पहले होगी, तो उपकार को नहीं ये मानेगा। तो यहां तक आपने देखा। फिर यहां पे जो ये दिखाई दे रहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं? कृकंतव्य मूढ़। कृकंतव्य मूढ़ उस स्थिति को कहा जाता है जब यह समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है, उसे बिल्कुल समझ ना आए। बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि समझ नहीं आता कि अब हमें आगे क्या करना है। हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है, हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ टाइम उसके जीवन में हमेशा ऐसा आता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे करना क्या है, परेशान हो जाता है। तो इसी स्थिति को जब उसे समझ ना आए कि उसे क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है, तो उस स्थिति को कहते हैं कृकंतव्य मूढ़। क्या कहते हैं? कृकंतव्य मूढ़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर यहां पे कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, बाहरी जगत का ज्ञान ना हो यानी कूप मनुक। कूप मनुक यानी कुएं का मनुक, यानी कुएं का मनुक यानी कुएं तक ही सीमित रहेगा, यानी बाहरी दुनिया से उसे कोई भी जानकारी यानी कोई भी मतलब नहीं है। तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो उसे कहेंगे कूप मनुक। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। यह सरल क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ भी चुका है। फिर यहां पर यह भी काफी इंपोर्टेंट है, कठिनाई से पैसे निकालने वाला या जरा जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कठिनाई से पैसे निकालने का मतलब है कि जो थोड़ा खर्चा कम करे, सोच समझ कर खर्चा करे, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं? कृपण। यह भी काफी इंपोर्टेंट है, यानी कठिनाई से पैसे निकालने वाला या फिर जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला, तो कंजूस कह सकते हैं। तो कंजूस कौन हो गया? इसका मतलब हो गया कृपण। फिर यहां पर ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो क्या होगा? खग्रास होगा। तो खग्रास बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना, काफी इंपोर्टेंट है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, तो जीवन के एक अंश को लेकर खंड काव्य होता है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातःकाल आया हो, तो उसे कहते हैं खंडिता। और मंदिर के बीच की जगह को गर्भगृह कहते हैं। और संध्या और शाम के रात्रि के बीच का समय गोधूली होता है, यह भी काफी इंपोर्टेंट है। जिसके 4 पेद होते हैं चतुष्पद कहते हैं। और मदिरा पीने वाला प्याला यह है चषक। तो बताइए जरा, जो मदिरा पीने वाला जो प्याला है चषक, कौन कौन जानता था? जिसे मालूम होगा पक्का वो क्या होगा? मदिरा का शौकीन होगा। तो खैर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे यही है आज की क्लास में। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।